हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा जेटली। आज मैं आपको बहुत ही लाइट सा आई शेडो बताऊंगी गर्ल्स के लिए, और इनको कहीं पार्टी में जाना है तो बहुत ही लाइट सा आई शेडो लगाएंगी और ग्रीन कलर का आईलाइनर लगाएंगे। काजल नहीं लगाना है, तो सिर्फ आंखों में बहुत ही लाइट सा आई शेडो और लाइनर लगाना है। तो पहले हम आई प्राइमर लगा लेंगे, या आप कोई सा भी कंसीलर ले सकते हो। उसको पहले हम इस तरह से आंखों पे लगा लेंगे, जैसे आंखों का जो अंदर का कलर है ओरिजिनल, उसके ऊपर इस तरह से लगाने से आप जो भी शेडो लगाते हो, लाइट सा भी लगाते हो, तो फिर वो दिखता है। और ऐसे आंखों के कलर से मैच नहीं कर पाता है, फिर थोड़ा सा आई शेडो का कलर डिफरेंट हो जाता है बिना प्राइमर्स के। फिर उसके बाद हम जो है लूज़ पाउडर से या केक पाउडर से इसको प्राइमर को सेट कर देंगे इस तरह से, तो जैसे कि जो भी आप शेडो लगाओ चिपचिप ना करें, तो इसलिए हम पाउडर से उसको सेट कर देंगे। और फिर उसके बाद हम ये टेप लगा देंगे आपके पास इस तरह से दोनों तरफ। और उसके बाद ये हमने लाइट सा पिंक कलर लिया है और इसको हम बाहर की तरफ इस तरह से लगाएंगे, अंदर की तरफ करेंगे, बाहर से अंदर की तरफ, बहुत ही लाइट पिंक है। और इसको हम इस तरह से करेंगे और अच्छे से मर्ज कर देंगे, जैसे कि अपनी क्रीज एरिया से हमने ऊपर से और नीचे इस तरह से करेंगे। वीडियो काफ़ी पास से बनाया है, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे वीडियोस काफ़ी पास से रहते हैं, तो थोड़ा मेकअप का हो जाता है कि आप लोगों को लगता है कि कुछ मेकअप गड़बड़ होगा, लेकिन काफ़ी मैं मेकअप पास से बनाती हूँ। और ये भी देखिए काफ़ी पास से बनाया है वीडियो। और इस तरह से हम बिल्कुल क्रीज एरिया पे इस तरह से पिंक कलर को अच्छे से फैला दिया है हमने, और बहुत ही लाइट लाइट हाथ से हम ब्रश को चलाएँगे, बहुत ही लाइट हाथ से हम ब्रश को चलाएंगे और इस तरह से अपने जो आई शेडो हमने लगाया है उसको धीरे धीरे फैलाएंगे पूरे क्रीज एरिया से अंदर की तरफ, और दोनों आंखों में हम इसी तरह से करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सीमा जेटली के नाम से है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हैं हेयर कट के, और काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देखिए और आप उनसे सीख भी सकते हो। और मेरा मंडे को लाइव आता है 3 बजे, तो आप उसको देखना ना भूलें। फिर ये हमने गोल्डन कलर लिया है और इसको हमने अंदर की तरफ लगाया है इस तरह से, बहुत ही लाइट सा मेकअप है गर्ल्स का, तो बिल्कुल अंदर की तरफ हल्का सा हमने गोल्डन शेड दिया है। फिर इसके बाद हम इस पर लाइट सा सिमर का लुक देंगे कॉपर कलर का, पहले ये हमने गोल्डन दिया था अंदर की तरफ से इस तरह से, और इसको भी हम हल्के हल्के हाथों से फैलाएंगे और दोनों आई शेडो को इस तरह से कर देंगे कि दोनों आपस में मिक्स हो जाए, मर्ज हो जाए। और थोड़ा सा हमने क्रीज एरिया को डार्क किया है हाइलाइटिंग से, गोल्डन से इस तरह से। और इसके बाद हम बहुत ही कम कम प्रोडक्ट लेके करेंगे, एक साथ नहीं लेंगे। फिर ये हमने हल्का सा ये कॉपर कलर लिया है और इसको हम तो सिमर में है, इसको हम सिर्फ अपने आईबॉल पे इस तरह से एक ही कलर को ही हमने फैला दिया है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट नहीं दिखाया है कि 2-3 कलर हो, और फिर सबको हमने इस तरह से मिक्स कर दिया। तो आप देखिएगा बहुत लाइट सा किया है। फिर हमने ये कॉपर कलर लिया है और इसको हमने पूरे आई बॉल पे इस तरह से फैला दिया है और सारे कलर को मिक्स कर दिया है कि कोई कलर अलग से ना लगे और सिर्फ चमक सी लगे। और आईब्रोज हाइलाइटिंग एरिया पे हमने आईब्रोज के नीचे गोल्डन कलर से इसको हल्का सा सिमर दिया है, इस तरह से हाइलाइटिंग की है। तो आप देखो लाइट बिल्कुल पास से है ये वीडियो, आप देखो बहुत ही लाइट सा लुक आएगा आंखों का गर्ल्स के हिसाब से। और उसके बाद ये हमने ग्रीन कलर का लाइनर लिया है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, हल्का सा मोटा लगाएंगे, पहले हम पतला करेंगे, और इसको मोटा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हो जैसे आपको करना हो। और पहले ये हमने किया, इसको हमने 2 कोट में लगाया है क्योंकि थोड़ा सा डार्क कलर हो जाए और खिल के आए, तो पहले हम दोनों आँखों में पतला पतला लगा लेंगे। और आप चाहो तो जितनी विंग्स निकालनी है आप निकाल सकते हो, या तो आप ब्लैक की विंग्स निकाल सकते हो, ग्रीन सिर्फ फ्रंट फ्रंट में लगा सकते हो।
तो क्योंकि हमने शेडो काफ़ी लाइट लगाया था, तो ये हमने विंग्स थोड़ी सी विंग्स निकाली है ग्रीन से ही, अच्छा सा लुक देने के लिए, क्योंकि इन्होंने काजल भी इन्होंने नहीं लगवाया है, तो सिर्फ हमने लाइनर ही लगाया है ऊपर और काजल नहीं लगाया है। तो इस तरह से थोड़ा सा हमने मोटा करके और छोटी सी विंग्स निकाली है बहुत लाइट सी, और उसके बाद हम ये टेप हटा देंगे और आप जैसे देख सकते हो कि बहुत ही लाइट सा आया है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो, और मंडे को 3 बजे देखना ना भूल लें, सीमा जेटली के नाम से सर्च कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।